आम आदमी पार्टी के नेताओं के नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। दिल्ली की वजीरपुर सीट के मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजेश गुप्ता ने भी अपना नामांकन भरा। नामांकन से पहले चुनावी कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया और चुनाव में जीत के लिए दफ्तर में हवन भी करवाया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम दिल्ली की वजीरपुर सीट पर मौजूद है। यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश गुप्ता अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नामांकन से पहले पूरा एक आप कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। पूरा माहौल एक तैयार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है, जो सपोर्टर है, वो टोपी लगा कर आए हैं। साथ में यहाँ पर आप अरविंद केजरीवाल का जो नया और पुराना गाना है, यानी आम आदमी पार्टी का जो नया कैंपेन सॉन्ग है, उसकी भी आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन नॉमिनेशन से पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किया गया है आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से। दोनों लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे राजेश गुप्ता जी से। राजेश जी, ये बताइए, 2015 का चुनाव और ये 2020 का चुनाव, बहुत सारे काम आपने कर दिए होंगे, बहुत सारे काम करने बाकी होंगे, तो लोगों का एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, इस रिपोर्ट कार्ड को आप लेके जा रहे, क्या लग रहा है कि पास होगे, फेल होगे, या लोग अभी भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे? देखिए, पास और फेल का तो सवाल ही नहीं है। मुझे लगता है आप तो डिस्टिंक्शन की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये 90 से ऊपर का खेल है। एक तरफा ही 70 सीटें जो है उसमें एक तरफा है। और जैसे मैंने कहा कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन चुनावों को लड़ रहे हैं और 70 सीटों पर उन्हीं का चेहरा लेके हम लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। और वैसे भी जो लोग आखिर के दिनों में तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा टेंशन होती है, वो कुंजी लेके नकल करते हैं क्या करा जाए क्या नहीं। लेकिन हम 5 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा हेडमास्टर बड़ा कड़क है, उन्हें मैं लगातार खींच के रखा, पूरी क्लासेस में बुलाया, पूरा ध्यान दिया, तो उनके साथ में लगे रहे। और उसका आज फायदा ये है कि हमें 5वें साल में बड़े मुस्कुराते हुए जाना पड़ रहा है और जनता ही बता देती है हमने क्या काम करे। आम आदमी पार्टी इस बार ताल ठोक के कह रही है कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना। क्या वजीरपुर की जनता से भी आप कुछ ऐसा ही दावा कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि जब मैं बड़ी मीटिंग्स में जाता हूँ, पक्ष में जाता हूँ, और मुझे ऐसे बहुत सारे साथी मिलते हैं जो दूसरी पार्टी के भी हैं, तो मैं कहता हूँ कि इस बार जब वोट देने जाओ तो अपने दिल पे हाथ रखना, भगवान राम की कसम खाना और कहना कि हम सही आदमी को वोट देने जा रहे हैं, सही काम को वोट देने। क्या बदला पिछले 5 साल में आपने वजीरपुर में? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज जो बदली, काम तो बहुत सारे हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो सारे में एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, रोड बना दिए, 3 नए स्कूल की बिल्डिंग्स बन चुकी है, 5 ऑडिटोरियम है, 8 मोहल्ला क्लिनिक है, 1 हॉस्पिटल है जिसकी सिर्फ बिल्डिंग थी, आज वो पूरा जबरदस्त हॉस्पिटल सारी सुविधाओं के साथ में है। अनगिनत काम है, मैं बताऊँ तो अनगिनत, 2000 कैमराज लग चुके हैं। लेकिन जो सबसे मेन काम है, जो मैं बार बार कहता हूँ, वो है कि जो विधायक नाम का हुआ हुआ करता था, कि जिससे दूर लोग भागते थे, उसके पीए ड्राइवर से बात करने में कतरा जाते थे, आज वो इस विधायक को विधायक की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे और अपने भाई की तरह जानते हैं, मानते हैं और मिलते हैं। मैं समझता हूँ मैंने सबसे अच्छा काम करा। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील गुप्ता जी भी है। सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी इस बार नारा दे रही है कि 67 पार, लेकिन अब आप देखिए कि कल बीजेपी ने 57 लोगों की लिस्ट जारी कर दी, इस लिस्ट को लेकर क्या कहेंगे? क्या मुकाबला आसान हो गया इस लिस्ट को देखने के बाद, या आपको लग रहा है कि कुछ फाइट होने वाली है बीजेपी से? देखिए, केजरीवाल जी का मुकाबला करना ये बीजेपी और कांग्रेस के बस की बात नहीं है। अकेला केजरीवाल ऐसा है जो 70 की 70 विधानसभा की सीटें एक गो के अंदर डिक्लेयर की। आज बीजेपी ने नकल करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि हम भी सारे घोषित करेंगे, 57 कर पाए। आज भी चुनाव से चंद दिन बचे हैं, केजरीवाल जी के सामने कोई चेहरा वो ला नहीं पा रहे हैं। आज दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी के स्वरूप के अनुसार आम विधायक, कोई हमारी अलग से यूनिफॉर्म नहीं है कि खद्दर के बड़े बड़े सफेद कमीज होंगे, ऊपर से जैकेट होगी और दूर से दिखेंगे नेताजी आ रहे हैं, वो वीआईपी कल्चर खत्म हो चुकी है, अलग पहचान खत्म हो चुकी है। दिल्ली के अंदर आम आदमी विधायक बन रहा है, आम आदमी मंत्री बन रहा है और आम आदमी का ही काम कर रहा है। दिल्ली ने दिशा दी है, ईमानदार सरकार हो तो सरकारी हॉस्पिटल बेहतर हो सकते हैं। पूरे देश को दिशा दी है, ईमानदार सरकार हो तो सरकारी हॉस्पिटल बेहतर हो सकते हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के कामों से बेहद खुश है और दिल्ली में जिस प्रकार से चहुंमुखी विकास क्या है, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा के हो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा करा हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, या बिजली का काम हो, पानी का काम हो, अनऑथराइज कॉलोनियों की सड़कों का काम हो,
और अशोक विहार क्षेत्र के अंदर आज हम खड़े हुए, यहाँ के जो संभ्रांत नागरिक हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े कोठियों वाले लोग हैं, पहली बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कमाल करके दिखा दिया और हम सब मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ हैं। दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के और आरएसएस के और बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं सरकार तो केजरीवाल जी की आ रही है। बात यह है कि कितने मार्जिन से हमारे विधायक जीतते हैं। आज राजेश जी, मैं समझता हूं कि अपने कांग्रेस के और बीजेपी के जो यहां से विधायक लड़ने वाले उनकी जमानत जब्त कराएंगे और अशोक विहार और वजीरपुर क्षेत्र की जनता इनको पुनः एक भारी बहुमत से जिता के अरविंद केजरीवाल जी के हाथ को मजबूत करने के लिए और दिल्ली के अंदर पुनः आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए चुनकर भेजेगी। एक आखिरी सवाल, बीजेपी ने इस बार ज्यादातर पुराने लोगों पर ही दाव लगाया है, क्या लगता है कि उनका अनुभव कुछ बाजी पलट सकता है? पिछली बार कॉर्पोरेशन के चुनाव में उन्होंने चेहरे बदले थे और कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इसलिए चेहरे बदल रहे हैं। वो पुराने वाले और नए वाले की कॉर्पोरेशन के अंदर रिश्वत डबल हो गई और इस दफा इन्होंने कहा नहीं नहीं, पुराने रिश्वत लेते थे हमारे वही ठीक है, नए आएंगे तो यहाँ पे भी डबल रिश्वत हो जाएगी, इसलिए इन्होंने मिला जुला काम करके ऐसा किया। परंतु इनके पुराने चेहरे फेल हो चुके हैं, आज नए नौजवानों की जरूरत है। हमने महिलाओं को अच्छी संख्या के अंदर टिकट दिया है, सबसे ज्यादा नौजवानों को हमने टिकट दिया है ताकि दिल्ली की जनता भाग भाग के सेवा कर सके और दिल्ली को बेहतर बना सके। क्या आपने काम का पूछा, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम में से एक और मैं बताना चाहूंगा कि 70 करोड़ की लागत से यहाँ की सीवर लाइन चेंज हो रही है जो कि 80% हो चुकी है, ताकि सीवर की भी समस्या ना हो, पानी भी साफ हो जाए। और एक विधानसभा के बारे में एक खास बात और, क्योंकि जो बीजेपी और कांग्रेस के लड़ रहे हैं, कांग्रेस के तो मैदान छोड़ के जा चुके हैं, आदर्श नगर से कोई आके यहाँ लड़ने जा रहे हैं, और बीजेपी के जो है तो ये मेरे दो निगम पार्षद भी है, चार में से ही वो विधानसभा है जो उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है। ये दोनों मेरे तरफ खड़े हैं, हम तीनों की शायद उम्र जोड़ दें तब उनके करीब पहुंचेगी, तो यहाँ पे वो लड़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये युवा टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल, यहाँ पर सुशील गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवारों पर निशाना साधते हो, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 22,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, और इस बार फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी के लिए इस सीट को जीतना टेढ़ी खीर होगी। कैमरामैन मनोज के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।